हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एस गार्डनिंग विद ब्लॉग पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी गार्डन के हेल्दी प्लांट एंड हेल्दी फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये हेल्दी प्लांट्स और हेल्दी फ्लावर्स मैं कैसे रखती हूँ अपने गार्डन में, चाहे मेरे प्लांट पॉट में लगे हों या फिर ज़मीन में लगे हों या फिर लगे हों हैंगिंग बास्केट में, किस तरह से मैं इनसे हैवी फ्लावरिंग लेती हूँ और मेरे प्लांट कीड़े मकोड़ों के अटैक से हमेशा दूर रहते हैं। तो चलिए आज उसी चीज़ पे बात करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा एंड तक फ्रेंड्स मेरी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, फरवरी तो जा चुका है और मार्च की शुरुआत हो चुकी है, तो मार्च में भी हमें कई काम हमारे गार्डन में ऐसे करने होंगे ताकि हमें अप्रैल मई और आने वाले मंथ में हमें अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिले हमारे गार्डन में। तो हमें इसी महीने में फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से देने होंगे अपने प्लांट्स को। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने कटिंग्स लगाई थी आपके सामने, उसका अपडेट भी दे रही हूँ किस तरह से ग्रोथ कर रही हैं। अब मेरी सारी ही जिनको प्लांट्स को मैंने प्रून कर दिया है और जिनकी कटिंग्स लगा दी हैं, तो सारी ही यानी कि कटिंग्स ग्रोथ पकड़ रही हैं। और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी मधुकामिनी की, तो देखिए इस पर भी न्यू न्यू लीव्स आ रहे हैं। तो इसी तरह से आगे इनके स्टेम्स और मजबूत हो और इनमें और अच्छी ग्रोथ हो प्लांट में, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट्स में टाइम टाइम पर फर्टिलाइज़र देने पड़ते हैं। और आज देखिए, मैं आपके सामने लेके आई हूँ ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। इस फर्टिलाइज़र को प्लांट में देने से फ्रेंड्स, इस प्लांट में कीड़ों मकोड़ों या फंगस का अटैक नहीं होता है, प्लस जो स्टेम्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं प्लांट्स की, वो मजबूत होती है। और फ्लावरिंग आने में इस फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें पोटेशियम भरपूर है, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह, यानी कि मल्टी विटामिन्स से भरपूर है ये प्याज के छिलके। और फ्रेंड्स इसीलिए ये सोने से भी ज़्यादा कीमती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्लांट में मैंने गुड़ाई करके पीस के छिलके इस तरह भी हम डाल सकते हैं अपने गमलों में, यानी कि खाद के रूप में, और हम लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी इन छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये छिलके मुझे बिल्कुल फ्री में मिले हैं। जो हमारे सोसाइटी में आलू प्याज वाले भाई आते हैं, तो उनके पास ये छिलके पड़े थे, तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही दे दिए, मैंने उनसे मांगे तो मेरे लिए तो ये फ्री का फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा बन गया है। और आज मैं अपने जितने भी मेरे गार्डन में गमले हैं और क्यारियाँ हैं, मैं इनका इस्तेमाल, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि मैं ज़मीन में जो मेरे प्लांट लगे हैं उनमें भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए, आलू प्याज वाले भाई से लिया मैंने, तो उसमें लहसुन भी आए हैं और साबुत प्याज भी है, यानी कि साबुत प्याज। तो ये सारा ही मिला के मेरे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन गया है फ्रेंड्स, फ्री का। और इस सारे ही छिलकों को फ्रेंड्स मैंने 2 दिन के लिए भिगो के रखा था। आप चाहें तो वो 24 घंटे से ज़्यादा भी भिगो सकते हैं, या कम भी भिगो लोगे तो कोई बात नहीं। और इनके एक एक छिलके का यूज़ आज मैं करने वाली हूँ फ्रेंड्स, एक भी छिलका फेंकूँगी नहीं। आपको वीडियो में देख कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, मैंने सारे ही छिलके अभी इस पानी में से निकाल के अलग कर लिए हैं, और अलग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इन छिलकों का करना क्या है। तो इन जो गीले छिलके हैं फ्रेंड्स, इनको भी मैं अपने कंपोस्ट में यूज़ करूँगी, जो मैं कंपोस्ट बनाती हूँ अपना किचन वेट्स से, या फिर गार्डन का जो लीफ का जो होता है कचरा, उससे उसी में ही इन छिलकों को मैं डाल दूँगी फ्रेंड्स। और आगे का प्रोसेस फिर बताती हूँ मैं आपको क्या करने वाली हूँ। तो देखिए, मैं आ गई हूँ अपने जो मैंने कंपोस्ट बनाती हूँ वेस्ट से, जो हमारे किचन में निकलता है या फिर हमारे गार्डन में, तो आप देख सकते हैं इस बोरी में मैंने अलग से ही रख रखा है। और इसमें ही मैं ये ऑनियन के छिलके भी डाल दूंगी और ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी फ्रेंड्स, तो इसका कंपोस्ट बन जाएगा, यानी एक भी छिलका मैं वेस्ट नहीं करने वाली आज। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए तो हो गया एक पंथ दो काज, यानी मेरे तो डबल फ़ायदा हो गया, मुझे इन फिर के छिलके भी मिल गए, प्लस मेरा कंपोस्ट में भी यूज़ हो गया, प्लस मेरे प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मिलेगा। और थोड़े बहुत छिलके रह भी जाएं पानी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, आप चाहें तो बिल्कुल छन्नी से इसे छान के भी इस्तेमाल करें, और थोड़े बहुत छिलके रह जाएँ तो भी कोई बात नहीं, कुछ ख़राब नहीं होगा इससे। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का पहले भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो शेयर कर रखा है फ्रेंड्स, तो देखिए
अब मैंने अपने प्लांट्स को दूंगी, जो मेरे पॉट में लगे हैं उनमें भी डालूंगी ये फर्टिलाइज़र। आप चाहें तो जैसे कि मैंने 3 डब्बे मैंने फर्टिलाइज़र के लिए हैं, तो 3 ही डब्बे मैं सिंपल पानी के लूंगी। आप चाहें तो दुगना पानी सिंपल पानी डाल सकते हैं इस फर्टिलाइज़र में, तिगना भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना पतला आप इस फर्टिलाइज़र को करेंगे उतना ही इसका असर कम होता जाएगा। तो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से हम अपने प्लांट्स पर स्प्रे भी कर सकते हैं, स्प्रे बॉटल में भरकर, तो उससे हमारे प्लांट में जो भी छोटे मोटे कीड़े मिलीबग्स वगैरह लग जाते हैं वो नहीं लगने देता ये फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सूखे लीव्स तो डाल ही दिए थे प्याज के इस प्लांट में, पर मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे दिया है ताकि इसको कुछ नुकसान नहीं होने वाला। सूखे छिलके जो होते हैं प्याज के फ्रेंड्स, उनका असर धीरे धीरे होता है और लिक्विड फर्टिलाइज़र का असर जल्दी होगा प्लांट में, और इससे आपका प्लांट बहुत हेल्दी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फर्टिलाइज़र देना है तो अपने गमलों को सूखा ही रखा है, मोस्ट ऑफ मेरे गमले सूखे ही हैं सारे, उनको पानी नहीं दिया है मैंने, और जिनको मैंने सूखा रखा है उन गमलों में पहले मैं ये पानी दे दूंगी। और इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद फ्रेंड्स सिंपल पानी ना दें अपने गमलों को, और आप शाम को ही यूज़ करें ये फर्टिलाइज़र तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, और मैं इस फर्टिलाइज़र का यूज़ मेरे इंडोर प्लांट्स में भी करती हूँ फ्रेंड्स। और ये फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स ऑन इन फील्ड का फर्टिलाइज़र हम फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और इंडोर प्लांट्स पे सभी पे कर सकते हैं, क्योंकि ये है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेल्दी फ्लावर्स मिलते हैं हमें इन फर्टिलाइज़र, जो ये फर्टिलाइज़र हम घरेलू फर्टिलाइज़र देते हैं अपने प्लांट्स को घर पे बनाकर। चाहे हमारी थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन हम फ्री में बहुत कुछ पा लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत कुछ हमें फ्री में मिलता है हमारे गार्डनिंग में, और बिना खर्चे के हम बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो ऑलवेज़ हमारे प्लांट हेल्दी बने रहते हैं, और फ्लावरिंग भी हमें अच्छी क्वांटिटी में मिलती है हमारे प्लांट्स पे, और ये बिल्कुल मल्टी विटामिन्स से भरा हुआ ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको मैंने आज बताया है, जो मैं अपने खुद के प्लांट में और क्यारियों में देती हूँ, ज़मीन में देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी दीजिए इस मार्च में अपने प्लांट्स को इसी तरह के फर्टिलाइज़र, और आप भी हेल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पा सकते हैं इस फर्टिलाइज़र से। हमारे प्लांट के स्टेम भी मजबूत होते हैं, प्लस फ्लावरिंग करने में बहुत बेनिफिट देता है ये फर्टिलाइज़र हमें, और कीड़े मकोड़ों के अटैक से भी दूर रखता है, फंगस से दूर रखता है ये विटामिन से भरा हुआ फर्टिलाइज़र। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हैप्पी गार्डनिंग करते रहें। बाय फ्रेंड्स।